हेलो स्टूडेंट्स, आपके एजुकेशन हब कानपुर में आपका स्वागत है। आज अपना सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, रासायनिक ये अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसमें अपन ने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। चैप्टर स्टार्ट हुआ था ये पदार्थ से। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं ये अपन ने 9th में पढ़ा था, आपके पास आ भी चुका है। 9th का जो मैटर है वो आपके पास पहुंच गया, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो है किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में भौतिक गुण और संगठन के साथ साथ उसके रासायनिक गुण और संगठन में भी परिवर्तन होता है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है। अब अपना ये लेसन जो है वो स्टार्ट होता है रासायनिक अभिक्रिया से। रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपने पढ़ाए किसी भी पदार्थ में हुआ रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उससे पूर्णतः नया पदार्थ बनता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस दौरान पदार्थ के अणु परमाणु में उपस्थित बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, जिससे एक नया पदार्थ बनता है। यह नया पदार्थ पूर्ण रूप से स्थायी होता है। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में हम एक मैग्नीशियम का फीता लेते हैं
मैग्नीशियम का फीता लेते हैं जिसको रेगमॉल से साफ़ कर लेते हैं। मैग्नीशियम का फीता रेगमॉल से साफ़ क्यों करते हैं, जैसे मान लेते हैं अपने पास में ये एक मैग्नीशियम का टुकड़ा है, ये मैग्नीशियम का टुकड़ा है, इसको हम रेगमॉल से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी अशुद्धि लगी हुई है वो इसे दूर हो जाए। अब ये मैग्नीशियम जो है इसको बर्नर पर जलाते हैं अर्थात इसका दहन करते हैं। दहन करते हैं क्योंकि अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा है किसी भी वस्तु का या पदार्थ का दहन जब ही होगा जब वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो कोई पदार्थ है वो आसानी से जलता है। अर्थात ये कहें कि ऑक्सीजन जो है वो स्वयं न जलकर पदार्थों को जलाने में सहायक होती है। यहाँ हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम का जो फीता है वो जल करके राख हो जाता है और बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है सोन जो है प्राप्त होता है पूर्ण रूप से एक नया पदार्थ होता है यहाँ अपना जो पदार्थ था मैग्नीशियम। जब इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ तो पूर्ण रूप से एक नया पदार्थ बना जो स्थाई होता है अनुत्क्रमणीय होता है। एक बार ये बन गया इससे पुनः हम वापस इसको मैग्नीशियम को प्राप्त करना चाहें तो नहीं होता है। यहाँ मैग्नीशियम का जो पीता है उसको जब जलाया जाता है मैग्नीशियम का जब दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है जो पूर्ण रूप से नया पदार्थ है। इस दौरान यहाँ ये जो है इसमें पुराने जो बंध थे वो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, ऑक्सीजन के साथ में ये जुड़ता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार यह एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया अर्थात ये जो है रासायनिक समीकरण है। क्या है ये रासायनिक समीकरण। अब ये समीकरण यदि संतुलित है, संतुलित समीकरण किसे कहेंगे, इधर जो है अभिकारक इधर जो प्राप्त होता है उत्पाद, यानी किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उससे जो पदार्थ नया निर्मित होता है वो उत्पाद है। यहाँ ये उत्पाद है, ये रासायनिक अभिक्रिया जो स्टार्ट करते हैं अभिकारक यानी क्रियाकारक होता है। इतना अपन ने पढ़ लिया है। अब रासायनिक समीकरण जो है वो भी दो प्रकार की होती है, एक है संतुलित समीकरण और दूसरी है असंतुलित समीकरण। देखो यहाँ पर ये एक रासायनिक समीकरण दिख रहा है, इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इधर जो अभिकारक हैं उसमें दो पदार्थ उपस्थित हैं, एक है मैग्नीशियम दूसरा है ऑक्सीजन। इधर एक एकल उत्पाद बन रहा है जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
इधर अभिकारक में उपस्थित जो भी परमाणु हैं उनमें अणु हैं, पदार्थ हैं, उनके अंदर उपस्थित जो परमाणु हैं उनकी संख्या, और इधर उत्पाद में उपस्थित जो अणु परमाणु हैं उनकी संख्या यदि समान है तो वो समीकरण होता है संतुलित समीकरण। यदि कोई समीकरण, जैसे यहाँ पर ये समीकरण है, इसमें इधर अभिकारक और ये उत्पाद दोनों में उपस्थित परमाणु की संख्या असमान है, जैसे यहाँ इसमें मैग्नीशियम का एक परमाणु है, इधर मैग्नीशियम का दो परमाणु है, इधर ऑक्सीजन का दो है, इधर ऑक्सीजन का दो है, लेकिन मैग्नीशियम का परमाणु जो है वो असमान है, इसलिए ये क्या है, असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण जो है उसको कंकाली समीकरण भी कहते हैं। असंतुलित जो समीकरण है उसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। इस असंतुलित समीकरण को संतुलित करते हैं वो अपन ने 9th में पढ़ा है, वो आपके पास में मैटर भेज दिया है किस प्रकार से उसको संतुलित किया जाता है, फिर उसको संतुलित करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, इसलिए उसको कहा गया था हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा इसको संतुलित किया जाता है। उसके बाद में अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया। धन्यवाद।